गांधी जी और कस्तूरबा आगा खां जेल में बंद थे। एक दिन सुबह कस्तूरबा गीता के श्लोकों का पाठ कर रहे थे। गांधी जी, तुम्हारा उच्चारण ठीक नहीं है कस्तूर कस्तूर, तो मैं क्या करूं? गांधी जी, चलो मैं बोलता हूं, तुम दोहराओ। 74 साल की बीमार कस्तूर को दोहराते सीखते देख सुनकर अन्य कैदी आश्चर्यचकित रह गए। शादी के समय निरक्षर कस्तूर जब अफ्रीका गई तब गुजराती ही जानती थी। गांधी जी ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। फिर फिनिक्स आश्रम में रहकर मिसेज पोलक से और भारत में मीरा के साथ रहते हुए इंग्लिश सीखी। सीखना उनकी जीवन रेखा थी। कस्तूरबा गांधी सिर्फ महात्मा गांधी की पत्नी नहीं थी, वे अपना पृथक अस्तित्व रखती थी। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक रॉबर्ट पेन ने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी लाइफ एंड डेथ में लिखा है कि मध्यम आयु में ली गई तस्वीरों में कस्तूरबा काम के बोझ से दबी थकी महिला लगती है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिनमें उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू भी उभर आता है। इन तस्वीरों में वे अपनी स्वयं की सोच और व्यक्तित्व रखने वाली गरिमामयी महिला है। कस्तूर गांधी 6 माह बड़ी थी मोहनदास गांधी से। वो लगभग 60 साल गांधी जी के साथ रही और देश की आज़ादी राजनीतिक यात्रा रचनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय रही। महान पुरुषों की पत्नी जैसे जीवन के सुख से वे वंचित रही, उससे वे भी रही पर कभी अफसोस नहीं किया। रॉबर्ट ने लिखा है, 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित इस दंपत्ति की जीवन कथा के अनेक आयाम हैं।